अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम है एक बार फिर। अच्छा, ये बेसिकली इस वीडियो में बेसिकली हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है मैट्रिक एफएससी फिजिक्स के फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर सॉल्व करने की। और ये बेसिकली 2018 नाइन्थ क्लास का पेपर जो है फिजिक्स का, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। पहली दो वीडियोज में इसकी शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। पहली वीडियो में हमने बेसिकली इस 2018 फिजिक्स नाइन्थ क्लास के पेपर के ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़े डिटेल से हमने डिस्कस किए हैं। और अब इस और इससे फिर लास्ट जो वीडियो थी उसमें बेसिकली मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो थे सेक्शन बी जो था वो बड़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए। तो अब इस वीडियो में हम सेक्शन सी, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन पेपर जो है आप अपने सामने जो है खोल के रख लें। यहाँ मैं आपके साथ आपको आंसर आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करेंगे हम जितना थॉरली हो सकता है। और कोई चीज समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे लाजमी पूछ लेनी है। और ये बेसिकली सेक्शन सी है पेपर फिजिक्स क्लास 9th 2018, उसका सेक्शन सी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं इसको। और तो सेक्शन सी, सबसे पहले आपको बार बार याद कराता हूँ, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तीन क्वेश्चन आपके पास गिवन होंगे, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो इनमें से कोई से दो आपने अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन के आगे दो दो तीन तीन पार्ट बने होंगे। आपने दो वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आते हैं, और मार्क्स इक्वली हैं 10-10 नंबर के जो दोनों क्वेश्चन होंगे। और मजीद हर क्वेश्चन में जो पार्ट होंगे, किसी पार्ट के 3 नंबर होंगे, किसी पार्ट के 4 नंबर होंगे, किसी पार्ट के 2 नंबर भी हो सकते हैं। तो चलें इसको हम लोग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट ए है, इसका सब पार्ट वन है, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड 2.5। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड जो है चेंज हो रही है वक्त ब वक्त, और वो 2.5 वेरिएबल स्पीड के साथ जो है मूव कर रहे हैं। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है आपने। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब यह है कि आपके एक एक्सिस पे टाइम होगा, दूसरे एक्सिस पे डिस्टेंस होगा। तो टाइम आपका एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस आपका वाई एक्सिस पे। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारा जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे टाइम के ऊपर। तो जो चीज इंडिपेंडेंट हो वो एक्स एक्सिस पे आती है, और जो चीज डिपेंडेंट हो वो वाई एक्सिस पे आती है। ये रूल है ग्राफ प्लॉटिंग का, हमेशा आप लोगों ने याद रखना है। बड़ी क्लासेस में भी ये चीज यही रहती है, चेंज नहीं होती। तो अब देखें, वेरिएबल स्पीड का मुराद ये है कि हर इंटरवल में इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं वो डिफरेंट है। मतलब पहले 5 सेकेंड में ये कुछ और डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अगले 5 सेकंड में ये कुछ और डिस्टेंस कवर कर रहा है, उससे अगले 5 सेकंड में इसका डिस्टेंस कवर कुछ और है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, तभी वेरिएबल स्पीड है। और इस तरह शो आपको एक इरेगुलर कर्व जो है वो शो की गई है, मतलब जो इस कोई प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेट लाइन वगैरह नहीं है, इस तरह नहीं है, एक इरेगुलर सी कर्व है, क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो ये बेसिकली हमने ड्रा ही करना था, जस्ट ये हमने ड्रा कर दिया है। डिस्टेंस टाइम प्लॉट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ये जस्ट पॉइंट मैंने लगाए हैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये इस एक पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रा किया। टेंजेंट यही होता है, स्लोप होती है, एक पॉइंट पे टच कर रही होती है कर्व को। ये बस मैंने पॉइंट आपको दिखाया है जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी क्यू आर, और कुछ भी नहीं है, और ई, और इस तरह ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो खैर अब इसी क्वेश्चन नंबर टू का जो पार्ट ये है इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हाउ कैन द स्लोप ऑफ द ग्राफ बी डिटरमिन्ड। अच्छा, ये सॉरी 2.5 स्पीड नहीं थी, ये 2.5 नंबर का ये प्लॉट प्लॉट करना है। ठीक है, इसके नंबर 2.5 थे। अब ये कह रहा है कि इस ग्राफ से हम स्लोप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, वो हमने बताना है, और उसका 1.5 नंबर है। अच्छा, तो इस ग्राफ की हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ये जो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की हुई है ना, ये टेंजेंट है,
इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर। तो टेंजेंट ड्रॉ करने का मकसद यही है कि हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पी के ऊपर। तो लिहाजा ये पूछ रहा है कि हाउ कैन द स्लोप ऑफ द ग्राफ बी डिटरमिन्ड। तो ग्राफ की स्लोप जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करके। तो फॉर एग्जाम्पल द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी, मतलब मैंने वो बता दिया कि पॉइंट पी के ऊपर जो स्लोप है टेंजेंट की वो क्या है, आर एस डिवाइडेड बाई क्यू एस। ये आपका आर एस है और ये आपका जो है क्यू एस है। स्लोप बेसिकली वाई बाई एक्स होता है ना, ठीक है। तो ये वाई है एक्सिस में, आर एस, और ये क्यू एस ये एक्स एक्सिस में। तो वाई आवर एक्स जो है ये आपका स्लोप है पॉइंट पी के ऊपर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी और आर एस आपके पास कितने हैं, देखिए आर जो है वो 30 है, एस जो है वो 0 है। तो आर एस क्या हुआ 30 - 0 30 मीटर, और क्यू एस आपका क्या होगा, क्यू एस आपका जो है ये है एस 15 है, क्यू 5 है। तो क्यू एस दोनों का डिफरेंस होगा, तो 15 - 5 10 सेकेंड। तो क्योंकि सेकेंड इसलिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, और ये मीटर इसलिए था क्योंकि ये वाई एक्सिस पे था। तो आर एस 30 और क्यू एस 15 - 5 10, तो 30 बटा 10 3 मीटर पर सेकेंड जो है ये इस पॉइंट पी के ऊपर जो है वो स्लोप होगी। और ये हम कैसे फाइंड की, हमने पॉइंट पी के ऊपर जो है टेंजेंट ड्रा करके। अब इसी पार्ट ए का एक पार्ट है सी, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द स्लोप प्रोवाइड, हमें स्लोप बताती क्या है। ये 2 नंबर का पार्ट है। तो हमें स्लोप जो है वो बताती है ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है, स्पीड इज हायर एट इंस्टेंट व्हेन द स्लोप इज ग्रेटर। जिस जगह पे स्लोप ज्यादा होगी वहां स्पीड हाई होगी, और स्पीड 0 व्हेन द स्लोप इज हॉरिजॉन्टल। और जहां कोई स्लोप नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, वहां स्लोप हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पार्ट ए जो है इसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसमें हमने क्या देखा, एक तो ये है कि 2.5 का पार्ट था, उसने कहा कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करें जिसमें आप दिखाएं कि ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो ये हमने एक प्लॉट ड्रा किया डिस्टेंस टाइम के दरमियान, और ये हमने एक ऑब्जेक्ट की मोशन दिखा दी जो कि वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, मतलब इसकी इक्वल इंटरवल में इक्वल कांस्टेंट डिस्टेंस जो है वो नहीं कवर कर रहा। तो ये प्लॉट दिखा दिया। फिर उसने कहा कि इस ग्राफ से हम स्लोप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो सपोज इस पॉइंट पी पे हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम एक इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करके। टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे जो टच कर रही होती है, जिस तरह ये लाइन जो है इस कर्व को इस पॉइंट पी के ऊपर टच कर रही है। तो स्लोप हम टेंजेंट ड्रा करके किसी पॉइंट पे जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बता भी दिया कि अगर आप पॉइंट पी पे स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो वो आपके पास कितनी आएगी, तो वो आपके पास ये वाई बाई एक्स का रूल यूज करके 3 मीटर पर सेकेंड आ रही थी। थर्ड उसने कहा था स्लोप हमें इंफॉर्मेशन क्या देती है। तो स्लोप हमें किसी भी इंस्टेंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या वो बताती है। जहां स्लोप ज्यादा होगी इसका मतलब है कि उस जगह पे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो ज्यादा है, और जहां स्लोप हमारे पास खत्म हो जाए, मतलब बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए जिस तरह ये है, तो हमारे पास स्लोप, फिर हमारे पास जो स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि स्लोप है ही वाई बाई एक्स। जब वाई है ही नहीं तो स्लोप 0, स्लोप 0 तो हमारे पास स्पीड 0, क्योंकि स्लोप हम बताती है स्पीड क्या होगी। जब स्लोप है ही नहीं तो स्पीड मतलब नहीं होगी फिर हमारे पास। चले अब ये देखें पार्ट बी है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए, आपको न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स अच्छे तरीके से आनी चाहिए, फिर आपको कुछ डेफिनेशंस आनी चाहिए जिस तरह इक्विलिब्रियम की हो गई, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मोशन के लॉज हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक एक एग्जांपल के साथ। तो देखिए यहाँ पे फिर इसने पूछ लिया आपसे इस पार्ट में कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डिफाइन कर दें। स्टेट का मतलब यही होता है कि आप उसे जो है वो डिफाइन कर दें, और आगे वो कह रहा है एंड एक्सप्लेन, मतलब थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन भी कर दें। तो खैर
पहले फर्स्ट लॉ मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडिंग दैट नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। आसान अल्फाज में बताता हूँ कि फर्स्ट लॉ मोशन क्या कहते हैं। फर्स्ट लॉ मोशन जो है वो कहता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो अपनी मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू ही रखेगा, अनलेस जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही उसकी मोशन ऑफ स्टेट को चेंज करने के लिए। इसे हम फर्स्ट लॉ मोशन कहते हैं। बड़ा सिंपल लॉ है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कुछ है तो एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये है कि अच्छा द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट दैट इज ट्रू। इस लॉ के मतलब दो हिस्से हो गए। एक एक तो है जी जब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक तो कोई इसके ऊपर फोर्स ना लग रही हो। अच्छा क्यों? क्योंकि ए बुक लाइंग ऑन टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। और इसकी मिसाल मैंने आपको दे दी कि अगर एक किताब जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो वो टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी जब तक हम कोई फोर्स लगा ना तो इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। फोर्स हम इसे उठा के ऊपर उठा लेते हैं तो अब हमने क्या किया, जो हमने उठाया है तो ये हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है, एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, इसकी वजह से इसकी मोशन जो है इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो थी वो हमें चेंज कर दिया। जहर जब एक्सटर्नल फोर्स आ गई तो फिर कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इस लॉ की वो है कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कोई इसके ऊपर जो है आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। तो हमने देख लिया एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है वो टेबल के ऊपर ही रहेगी जब तक आपको फोर्स नहीं लगाते, फोर्स लगाए तो फिर उसकी मोशन आपने चेंज कर दी। अच्छा हाउएवर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लॉ सीम्स टू बी अगेंस्ट आवर ऑब्जर्वेशन। ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसके अगेंस्ट हमें लगती है कि अगर कोई चीज यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स लगा के हम उसकी मोशन को चेंज ना कर दें। क्यों अजीब लग रही है? क्योंकि बिकॉज अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर कमिंग द सेम डिस्टेंस। ये तो देखें जब हम देखते हैं कोई बॉल अगर हम रोल करते हैं फर्श के ऊपर तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है, हालांकि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं कि अगर वो बॉल मूव कर रहे तो उसे मूव ही करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जब बॉल को रोल किया तो उसके बाद तो वो खुद ब खुद रुक गए, हमने तो उसे नहीं रोका, हमने तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई उसकी मोशन को चेंज करने के लिए। तो फिर तो ये फर्स्ट लॉ की हमें वायलेशन लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जब हम क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉल जो है रुक जाती है कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, जिस तरह हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स है जो कि बॉल और ग्राउंड के बीच में होती है। तो बॉल जो है वो क्यों रुक जाती है अगर उसे हम ग्राउंड के ऊपर रोल करते हैं, और न्यूटन फर्स्ट लॉ तो कहते हैं उसे रोल ही करते रहना चाहिए, फिर वो रुकती क्यों है? वो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स वहां पे होती है फ्रिक्शन जो बॉल और ग्राउंड के बीच में एक्ट कर रही होती है उसकी वजह से बॉल रुकती है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की वायलेशन जो है वो नहीं है। और जो एयर रेजिस्टेंस है ये बेसिकली एयर रेजिस्टेंस ही ना फ्रिक्शन ये अपोज करती है मोशन को। तो और हमने यही कहा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो मोशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर बॉल मूव कर रही थी तो फ्रिक्शन जो है एज एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी जिसकी वजह से वो रुक जाएगी तो उसकी मोशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 क्यों मैंने डिटेल डिस्कशन आपके साथ शेयर की है। तो अगर इसके इस पेपर 2018 के लॉन्ग क्वेश्चन के अगर बाकी दो क्वेश्चंस की भी अगर आपको डिस्कशन चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू। और मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमने इस पार्ट में जो है वो क्या डिस्कस किया। हमने बेसिकली इस पार्ट में फिजिक्स पेपर 2018
क्लास 9th का सेक्शन सी जो है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं, तीन क्वेश्चंस होते हैं, उसके मजीद तीन तीन पार्ट्स बने हुए होते हैं, उनमें से कोई से दो सॉल्व करने होते हैं, उसमें से एक का जो है मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मैंने सोल्व करा दिया। अच्छा तो और ओके और बाकी दो जो है वो भी बड़े आसान है। उसमें भी जस्ट मैं आपको बता दूं उसमें क्या है कि उसमें आपने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है कि इक्विलिब्रियम क्या होती है। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है कि अगर बॉडी जो है वो उसकी यूनिफॉर्म इलास्टिक साथ मूव कर रहा है तो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक्सप्लेन दी स्टेट्स, तो फिर इसमें एक हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होती है, ये आपने डिफाइन करनी है। फिर एक एक एग्जाम्पल इनकी दे देनी है और एक फिर एक न्यूमेरिकल गिवन है, वो तो मैंने आपको कहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन होगा उसके एक पार्ट में न्यूमेरिकल लाजमी होगा। आपको स्पीड गिवन है एक मोटर बोट की 4 मीटर पर सेकेंड, रेजिस्टेंस जो एक्ट कर रही है वो बेसिकली फोर्स 4000 न्यूटन गिवन है। तो पावर पूछ रहा है, तो पावर आपको पता है कि क्या होती है, वो डब्ल्यू बाई टी होती है, वर्क पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क को आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। तो अब क्या आ गया एफ डी बाई टी, और डी बाई टी आपके पास वेलोसिटी होती है, स्पीड वो भी आपके पास गिवन है। तो एफ आप 4000 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लोगे तो आपका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन 5 भी इसी तरह ही है, पास्कल लॉ को आप डिफाइन कर लें, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो आपने बता देना है, बाई मेटल स्ट्रिप क्या होती है, दो कोई इस तरह की डिवाइसेस बता दें जिनमें ये यूज होती है, और एक फिर शॉर्ट न्यूमेरिकल है आपके पास छोटा सा। लेकिन अगर आपको इस इन दोनों क्वेश्चंस की भी डिटेल डिस्कशन चाहिए तो वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस कर लूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमीन बताना है। तो चलें, तो हमने ये जो एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, उसमें हमने क्या क्या देखा है। उसमें हमने देखा है कि एक तो हमारे पास अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया है और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड जो है चेंज हो रही है टाइम के साथ उसकी मोशन हमने देखी है। फिर हमने ये कहा कि हम इस ग्राफ के ऊपर स्लोप कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर दें तो वो हमारे पास जो है वो स्लोप होगी। फिर हमने वजीर ये देखा कि स्लोप हमें बताती क्या है, तो स्लोप जो है वो हमें बताती है कि किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कितनी है। अगर स्लोप ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, स्लोप कम होगी तो स्पीड कम होगी, और अगर और स्लोप y बाई एक्स होता है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वर्टिकल डिस्टेंस है ही नहीं, स्लोप नहीं है, तो स्पीड हमारे पास ऑब्जेक्ट की जीरो हो जाएगी। फिर हमने ये देखा कि फर्स्ट लॉ मोशन को हमने डिफाइन कर दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन को ही कंटिन्यू रखेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा कि उसकी स्टेट को हम चेंज ना करें। फिर हमने इसको कहा कि इस फर्स्ट लॉ की दो स्टेटमेंट हो गई, कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कोई फोर्स लगा कि उसकी मोशन को चेंज ना करें। तो हमने इसकी एग्जाम्पल देखी, एक बुक के ऊपर बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, तो वो टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी जब तक हम उसे उठाएंगे नहीं, उठा लिया तो जहर हमने फोर्स लगा ली फिर तो उसकी मोशन जो है वो चेंज कर दी हमने। सेकंड हमने कहा कि सेकंड स्टेटमेंट है का जो हिस्सा है, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी जब तक कोई फोर्स लगा के उसकी कंडीशन को हम चेंज ना करें। बजायर हमें ऐसा लगता है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट का हिस्सा है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की वायलेशन है, क्योंकि एक बॉल अगर हम फ्लोर के ऊपर रोल करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद रुक जाती है, तो हम कहते हैं कि हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाई तो फिर ये क्यों रुक गई, न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो इसे कंटिन्यू मूव करते रहना चाहिए। तो बेसिकली जब क्लोज ऑब्जर्वेशन हम करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्सेस मौजूद होती हैं जो कि
बाल और ग्राउंड के बीच में एक्ट कर रही होती है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स ही है, एयर रेजिस्टेंस ही है, तो फिर हमारे पास न्यूट्रल लॉ की वायलेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाल का रुकना जो है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से है जो बेसिकली इसकी मोशन को अपोज कर देते हैं। तो जब फोर्स आ गई तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की वैलिडिटी जो है वो एप्लीकेशन जो है वैलिड हो गई। तो ये था हमारे पास फिजिक्स क्लास 9 2018 का पेपर, जिसे हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया। इसके पहले दो पार्ट्स अलग अलग वीडियोस बनाई, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बना दी। तो और कुछ क्वेश्चन मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी स्किप किए थे, कुछ यहाँ पे भी लॉन्ग क्वेश्चन जो बाकी दो हैं उनकी मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट्स दे दिए। लेकिन अगर आपको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। तब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पेपर शेयरिंग सोल्व करने का सिलसिला हम जारी रखेंगे आने वाले कुछ दिनों तक। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।